सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले लुमिनस इन्वर्टर ज़ेलियो 1100, ज़ेलियो प्लस 1100। ओवरऑल आप इसको देख लीजिए, डिटेल में समझेंगे काफ़ी सारे बातें, प्राइसिंग से लेकर सब कुछ, और कितनी कैपेसिटी वाली बैटरी आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानने वाले, कौन से पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं, कैपेसिटी, प्राइस, वारंटी, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन इन्वर्टर है, और सबसे पहले डिटेल में जान लेंगे और बाद में प्राइसिंग हम समझेंगे, कैसे इसकी प्राइसिंग है, स्पेसिफिकेशन, वारंटी, सब कुछ डिटेल में। ज़ेलियो प्लस 1100 इस तरीके से मॉडल आपको देखने को मिलेगा। रियर पैनल में क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे केबल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्विच दी गई है, यहाँ पे आउटपुट दिया गया है, और ये कुछ सिलेक्शन स्विच, तो ये भी हम आगे बात करेंगे। सो स्पेसिफिकेशन जानेंगे तो यहाँ पे होम यूपीएस 900 VA ज़ेलियो 1100 प्लस कितना वैटेज आप अपने दे सकते हैं ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। साइनवियो आउटपुट इन्वर्टर है, सपोर्टेबल सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी के लिए सिंगल इन्वर्टर आपको खरीदना होगा, तो सिंगल 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, 24 महीना इसकी आपको ऑन साइट वारंटी मिलेंगी। प्रॉब्लम आया तो आपको कस्टमर केयर को कॉल लगाना है, जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको वारंटी कार्ड या फिर यहाँ पे ही आपको उनका नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिए, एड्रेस लिखवा दीजिए, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, आपके घर में 2 से 3 दिन में कस्टमर टेक्नीशियन टीम आ जाएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो सॉर्ट आउट कर देगी। वैसे प्रॉब्लम आता नहीं है, जो भी ये बोलते हैं जितने कैपेसिटी हो फॉलो कीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। स्पेसिफिकेशन जानेंगे और सेफ फॉर सेंसिटिव अप्लायंसेस, सेंसिटिव अप्लायंसेस जैसे आपका पीसी हो गया, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, लाइट चलेगी तो वो शुरू रहेगा, बंद नहीं होगा, इसलिए आपको उस पर यूपीएस मोड पे रखना है। यूपीएस मोड रियर साइड में देखने को मिलेगा, यूपीएस मोड पे रखना है, अदरवाइज आप इको मोड पे रख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच दी गई रहेंगी इको और यूपीएस मोड की। सो सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए काफ़ी बेहतरीन साइनवियो आउटपुट वाला इन्वर्टर है। LCD डिस्प्ले फॉर स्टेटस ऑफ पावर बैकअप, बैटरी चार्जिंग टाइम, आवर्स एंड मिनट्स, ये आपको स्टेटस इंडिकेट करेगा। बाईपास स्विच इसमें दिया गया है, ये है बाईपास स्विच, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाईपास स्विच है, उसके बाद में MCB स्विच यहाँ पे दी गई रहती है, जैसे आप MCB फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनपुट मेन्स। नॉइसलेस परफॉर्मेंस, साउंड बिल्कुल नहीं करेगा, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ इन्वर्टर बैटरी, वो फ्लैट प्लेट की रह सकती है, ट्यूबलर की या फिर SMF VRL ड्राइव, तो यहाँ पे ये स्विच दी गई रहेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे फ्लैट प्लेट, ट्यूबलर प्लेट और SMF, यहाँ पे स्विच दी गई रहेंगी, जो भी बैटरी आप उस पर ये सिलेक्ट करके रख दीजिए। जैसे LCD डिस्प्ले के लिए हमने बात की, स्मार्ट डिस्प्ले विथ यूनिक इंडिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आप बैकअप, बैटरी चार्जिंग, उसके बाद में मेन्स ऑन, इको, UPS मोड, सिस्टम, फॉल्ट एंड बैटरी, ये आपको फ्रंट पैनल में देखने को मिलेंगे। इको UPS मोड, इन UPS मोड आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट इन रेंज 180 to 260 वोल्ट। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ सेंसिटिव अप्लायंसेस सच एज कंप्यूटर, जैसे हमने आपको बताया, अगर आपका आउटपुट वोल्टेज 180 to 260 वोल्टेज है तो आपको UPS मोड पर रखना है, जो PC वगैरह है उसके लिए आपको UPS मोड पर रखना है। इन इको मोड वोल्टेज रेंज इज एक्सटेंडेड, देयर बाय रिड्यूसिंग बैटरी यूजेज। एक नॉर्मल जैसे अप्लायंसेस है, लाइट, TV, फैन, तो उसके लिए आप इको मोड पर रख सकते हैं। इजी स्विच, बाईपास स्विच, इनकेस एनी फॉल्ट इन UPS, बाईपास स्विच कैन बी यूज टू बाईपास द UPS एंड अलाउ मेन्स टू अवेलेबल विदाउट एनी वायरिंग चेंजेस। वायरिंग चेंजेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कुछ फॉल्ट आता है तो आप डायरेक्ट बाईपास स्विच उस पर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेन से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, एक बेहतरीन ऑप्शन बाईपास स्विच का इसमें दिया गया है। सेफ फॉर योर होम, ज़ेलियो इज आर्म विथ कॉम्प्रेहेंसिव प्रोटेक्शन, फीचर सच एज शॉर्ट सर्किट, रिवर्स पोलरिटी, बैटरी ओवर चार्ज एंड बैटरी डीप डिस्चार्ज इज प्योर साइनवियो आउटपुट, इंश्योर सेफ्टी एंड नॉइसलेस ऑपरेशन कनेक्टेड अप्लायंसेस। तो यहाँ पे रिवर्स पोलरिटी, जैसे आपने क्रॉस कनेक्शन कर दिए, शॉर्ट सर्किट होता है, बैटरी ओवर चार्ज हो गई, डीप डिस्चार्ज हो गई, तो ये काफ़ी सेफ रखता है। नेक्स्ट बैटरी की प्राइसिंग देखेंगे तो 7100 में आएगा, कैपेसिटी 900 VA, 756 वैटेज अपने घर का लोड दे सकते हैं। जैसे मॉडल नंबर 1100 है, कंफ्यूज नहीं होना है, कैपेसिटी ये 900 VA का रहेगा, 900 VA का है तो उसमें 756 वैटेज अपने घर का दे सकते हैं। अब वैटेज जैसे फैन हो गया जो 100 वैट का होता है, TV 150 वैट की होती है, PC 200 वैट का होता है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो छोटे से AFL बल्ब होते हैं 18, 19, 20 वैट के होते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। और यहाँ पे प्योर साइनवियो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल डिस्प्ले आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, और सपोर्टेबल फ्लैट, ट्यूबलर, SMF बैटरीज, और आप 80 एम्पीयर से 220 AH के बैटरी इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे कोई भी डाउट क्वेश्चन आपके मन में होगा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर लीजिए, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय।